हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 9वां क्लास है। आज हम 9वें क्लास में देखेंगे यूज ऑफ पीएन जंक्शन, या इसी को हम डायोड कहते हैं, यानी पीएन जंक्शन या डायोड का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम अपने बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे, क्या है, एक मैसेज है, उसे बता देना चाहूँगा। सारे बच्चों में एक कॉमन समस्या आ रहा है हिंदी और इंग्लिश का। तो मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बोर्ड के ऊपर जो भी लिखाऊंगा वो इंग्लिश में ही लिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन जितना भी एक्सप्लेन करूंगा हर शब्द को हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगा, तो आप समझिए और जो बोलता हूँ उसको लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है, केवल समझने की कोशिश कीजिए। आप जितना बेहतर समझेंगे उतना बेहतर फिजिक्स आपका हो जाएगा। तो पूरी समझने की कोशिश कीजिए, माइंड के अंदर एक निगेटिव इम्पैक्ट बना के बैठे हुए हैं। हिंदी हिंदी हिंदी, व्हाट इज हिंदी? फिजिक्स है। हम आपको केवल फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना हिंदी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और ना ही इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो जल्दी आपको समझ में आ जाए, पूरे कॉन्सेप्ट को बारीकी से अध्ययन कराता हूँ। तो आप इन हिंदी या इंग्लिश के चक्कर में ना फंसे, केवल आप कंटेंट को देखें, आप कंटेंट को समझने की कोशिश करें। और कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर या तो व्हाट्सएप नंबर है या कमेंट है, कमेंट करके अपने कंफ्यूजन को दूर करें, यहाँ हिंदी और इंग्लिश की लड़ाई में ना फंसे। तो चलिए अब अपना लेक्चर शुरुआत शुरू करता हूँ। आज हमें पढ़ना है यूज ऑफ पीएन जंक्शन बोलो या डायोड बोलो, दोनों एक ही चीज है। ये सब चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है। पीएन जंक्शन बोलो या डायोड बोलो, ये दोनों एक ही चीज है। कि डायोड का जो उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ होता है, किन किन जगहों पर डायोड का उपयोग हो रहा है। तो हमने आपको लिस्ट आउट कर दिया हूं कि एक पीएन जंक्शन या एक डायोड का जो उपयोग होता है इन सारे जगहों पर होता है। सबसे पहला कंटेंट क्या है? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट बनाने के लिए ही हम डायोड का उपयोग करते हैं। दूसरा है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बनाने के लिए हम डायोड का उपयोग करते हैं। तीसरा है एम्पलीफायर और चौथा है ट्रांजिस्टर। इन सभी जगहों पर हम लॉजिक, इन सभी जगहों पर हम डायोड का उपयोग करते हैं। तो चलिए ना सारे चीजों को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और लॉजिक गेट को पढ़ाने के लिए करीब करीब चार या पांच लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगा, अगर डीप में पढ़ना है तो। इसे एक लेक्चर में भी पढ़ाया जा सकता है। अगर आपको लॉजिक गेट को आईआईटीज के लिए पढ़ना है, नीट के लिए पढ़ना है, और बोर्ड तो आसान चीज है, बोर्ड तो बहुत छोटा मोटा चीज है, तो अगर इन सब चीज के लिए पढ़ना है तो आपको पांच लेक्चर गेट का करना होगा। क्योंकि हर चाहे कंपटीशन हो या बोर्ड हो, सभी जगहों पर 5 नंबर का प्रश्न लॉजिक गेट से आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर्स को। लॉजिक गेट्स क्या होता है? लॉजिक गेट्स, तो चलिए हम हेडिंग डाल देता हूं लॉजिक गेट्स का। राइट नाउ हेडिंग, लॉजिक गेट। लीजिए हमने हेडिंग डाला हमने हेडिंग डाल लिया लॉजिक गेट। या आप इसे सिंपली गेट भी कह सकते हैं। शुरुआत करते हैं लॉजिक गेट को। बेसिक क्लास से शुरुआत करेंगे और आपको एडवांस तक पढ़ाएंगे। काफी बेसिक क्लास से शुरुआत करते हैं और काफी आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे इसको। तो गेट पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा हम रियल लाइफ में कितने तरह का ऑपरेशन करते हैं। अगर हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग की बात करें तो आपके सामने हजारों प्रश्न आते होंगे, हजारों तरह के क्वेश्चंस आते होंगे, और हजारों तरह के क्वेश्चंस का आप जवाब देते होंगे। तो जरा देखता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप उन्हें जवाब क्या देते हो। अगर लेट्स सपोज आपसे पूछा गया हो कि यह 4 है और ये प्लस है और ये 3 है, तो जवाब देने में आप लेट नहीं करेंगे और इसका जो जवाब आएगा वो 7 आएगा। अगर हम आपसे दूसरा प्रश्न कर लूं, आर यू
हैप्पी ये भी एक प्रश्न है। अब इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसको जवाब देने के लिए जाएंगे तो एक बार दिमाग में जरूर सोचेंगे क्या हम खुश हैं। एक बार अपने दिमाग पर स्ट्रेस डालेंगे, एक सोचेंगे क्या हम खुश हैं, और सोचने के बाद कुछ रिप्लाई आएगा, और यह रिप्लाई कोई संख्या में नहीं आएगा, यह रिप्लाई या तो एस में आएगा या तो नो में आएगा। आपके सामने हमने दो तरह का प्रश्न रखा, एक 4 प्लस 3 और हमने आपसे जवाब मांगा, और दूसरा प्रश्न है आर यू हैप्पी, हमने आपसे इसका जवाब मांगा। दोनों प्रश्न का जवाब बड़ा विचित्र है। 4 प्लस 3 चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, इसका जवाब 7 ही आएगा। इसके जवाब में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। लेकिन हमने आपसे पूछा आर यू हैप्पी, तो शायद इसका जवाब हर आदमी का अलग अलग आएगा। किसी के लिए एस होगा और किसी के लिए नो होगा। चाहे इसी तरह सुबह से लेकर शाम तक आपके सामने जितना भी प्रश्न आता है, सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, तो शायद आपका जो रिजल्ट आएगा इसी रिजल्ट में आएगा, या तो उसका रिजल्ट एक संख्या आएगा, या तो उसका रिजल्ट एस या नो में आएगा। तो हो गया क्लासिफिकेशन। जब किसी प्रश्न का जवाब या किसी ऑपरेशन का जवाब एक संख्या आए, तो ऐसे ऑपरेशंस को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन। देखिएगा, ऐसा ऑपरेशंस जिसका जवाब, जिसका रिजल्ट एक संख्या आए, रिजल्ट जब देखिएगा, यह इसका रिजल्ट है, रिजल्ट है, यह इसका रिजल्ट है, यह इसका रिजल्ट, जरा देखिए तो यह एक संख्या है, तो ऐसे ऑपरेशन को हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। और वाइज आर यू हैप्पी, इसका जवाब एस होगा या नो होगा। जिसका जवाब एस या नो होता है, ऐसे ऑपरेशन को हम लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन। आखिर में इसका नाम लॉजिकल ऑपरेशन क्यों पड़ा? लॉजिक का मतलब होता है तर्क। तो जब भी इस तरह का कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपका माइंड तर्क करता है, सिचुएशन को देखता है और सोचता है क्या हम खुश हैं। हाँ, अगर खुश हैं तो जवाब एस आएगा, अगर आप खुश नहीं हैं तो जवाब नो आएगा। ना जाने हजारों लाखों का प्रश्न आपके लाइफ में आते हैं, क्या आज बारिश होगी, क्या आपने खाना खाया, क्या आज ठंड है, क्या आज गर्म है, क्या बच्चा रो रहा है। ना जाने हजारों हजारों प्रश्न पूछा जा सकता है, और जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एस या सिर्फ और सिर्फ नो में आएगा। एक एस या नो जवाब देने से पहले हमारा माइंड सबसे पहले एक लॉजिक करता है, एक तर्क करता है, और तर्क करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो बाहर निकलता है। लेकिन 4 प्लस 3 बराबर 7 यह एक स्टैंडर्ड लॉ है, इसमें किसी प्रकार की कोई तर्क की आवश्यकता नहीं है, यह एक स्टैंडर्ड लॉ है कि 4 प्लस 3 7 होगा तो होगा। तो हमें पूरा का पूरा सिलेबस में हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं पढ़ना है, हमें जो भी पढ़ना है वो लॉजिकल ऑपरेशन पढ़ना है। इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। हमें जो भी पढ़ना है वो पढ़ना है लॉजिकल ऑपरेशंस। तो लॉजिकल ऑपरेशन का परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। लॉजिकल ऑपरेशन वह ऑपरेशंस होता है जिसका रिजल्ट या जिसका आउटपुट हमेशा एस या नो में आता है, उसे ही लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। क्योंकि हमें इसके बारे में डिटेल पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है इसके बारे में, इसके बारे में डिटेल पढ़ना है लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए ना, लॉजिकल ऑपरेशंस वह ऑपरेशंस होता है जिसका जवाब या जिसका
आउटपुट या जिसका आंसर हमेशा या तो एस आएगा या तो नो आएगा। ऐसे ऑपरेशन को लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। अगर हिंदी की बात करूं तो ऐसे ऑपरेशन को तार्किक तार्किक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। सबसे पहले बात करता हूं अर्थमेटिक ऑपरेशन का। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन, क्योंकि हर तरह का ऑपरेशन करने के लिए हमने किसी न किसी उपकरण को बना रखा है। जैसे एग्जांपल, अगर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है कैलकुलेटर। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, समझने के लिए है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी हर ऑपरेशन को करने के लिए हमने क्या किया है, एक डिवाइस का निर्माण किया है। जिसे मैं एग्जाम्पल, अगर हम बात करें अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए हमने क्या बनाया है, कैलकुलेटर बनाया है। आप चेक कर सकते हैं आपके घर के अंदर जो भी कैलकुलेटर है उसका जो आंसर आएगा हमेशा हमेशा एक संख्या आएगा। जिसका मतलब एक कैलकुलेटर हमेशा हमेशा अर्थमेटिक ऑपरेशन ही करता है। यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए हम किसी कैलकुलेटर का ही उपयोग करते हैं, लेकिन हमें तो पढ़ना है लॉजिकल ऑपरेशन वाइज। उसी प्रकार लॉजिकल ऑपरेशन करने वाला जो डिवाइस होता है उसी डिवाइस का नाम होता है गेट। यानी गेट एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमेशा हमेशा किस प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये हमेशा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो चलिए हम मोटी हेडिंग डालेंगे लॉजिकल ऑपरेशन, क्योंकि हमें जो भी पढ़ना है सिर्फ लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है। तो राइट नो हेडिंग लॉजिकल ऑपरेशंस। चलिए लॉजिकल ऑपरेशंस, तो सबसे पहले हम लॉजिकल ऑपरेशंस का परिभाषा देखेंगे। क्या होता है लॉजिकल ऑपरेशंस, लिखिएगा लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन जिसमें हिंदी में हम तार्किक क्रिया कहेंगे, तार्किक क्रिया कहेंगे। तो इसका परिभाषा क्लियर है, द ऑपरेशन बीच टेक इनपुट एस या नो एंड गिव आउटपुट also एस या नो। such operation is called logical operation। example, बहुत सारे example आप दे सकते हो, खुद से दे सकते हो, बट हम एक example की बात करें। Are you poor? क्या तुम गरीब हो? तो इस क्या तुम गरीब हो, इसको जवाब देने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका ब्रेन क्या करेगा, अपने सारे कंडीशंस को देखेगा। क्या हमारे अंदर गरीबी का सारा लक्षण तो है या नहीं है, उसके देखने के बाद जवाब आएगा यस आई एम पुअर। यस, इसका मतलब है आर यू पुअर, दैट्स ए लॉजिकल ऑपरेशन। अगर हम इसकी हिंदी ट्रांसलेशन की बात करूं, वह क्रियाएं जिसका इनपुट भी एस या नो हो और आउटपुट भी एस या नो हो, ऐसे क्रियाएं को हम तार्किक क्रिया कहते हैं। या सिंपल शब्दों में कहें, तार्किक क्रिया वह क्रिया होता है जिसका आउटपुट या जिसका आंसर या जिसका जवाब केवल एस में होता है या नो में होता है, ऐसे को हम तार्किक क्रिया कहते हैं। जिसे हजारों एग्जांपल हो सकता है, 10-15 एग्जांपल आप खुद दे दीजिए ना। आर यू इंटेलिजेंट, जरा सोचिएगा कि हम तेज हैं, हाँ तेज हैं, तब आपका जवाब आता है एस आई एम द इंटेलिजेंट। यानी
ऐसे को हम लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं, और लॉजिकल ऑपरेशन ही केवल हमें पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं, आगे चलते हैं, अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं, परिभाषा आपके सामने है। चलिए लॉजिकल ऑपरेशन से, तो चलिए ना जरा देखते हैं। यहां पर हम आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को कंपेयर करके पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, हमें समझने में आसानी होगा। जिसे लेट्स सपोज हमने दो ब्लॉक में बांट लिया है, यहां पर अर्थमेटिक ऑपरेशन एओ, अर्थमेटिक ऑपरेशन, और यहां पर हमने एलओ, लॉजिकल ऑपरेशन। इसे आप कंप्लीट लिखिएगा, यहां जगह कम होने की वजह से शॉर्ट में लिख रहा हूं, एओ अर्थमेटिक ऑपरेशन, एलओ लॉजिकल ऑपरेशन। व्हाई? जब हम बचपन से बात करें ना, बच्चे क्लास की बात करें ना, जब हम प्राइमरी क्लास में होते हैं या प्राइमरी क्लास के बाद की क्लास में होते हैं, तो हमें बचपन में सिखाया जाता है, या देखिएगा, 4 प्लस 2 जवाब सेकेंड, 3 गुना 2 रिप्लाई तीसरा, 4 भागा 2 रिप्लाई फोर, 6 माइनस 4 रिप्लाई पांचवा, 4 टू द पावर 2 रिप्लाई अंडर रूट 16 रिप्लाई ना जाने सोन 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 सोन। पूरा बोर्ड एक दिन पूरा भी लिखिएगा ना, तो ऑपरेशन घटने नहीं जा रहा है। अब इनका हम जवाब देख देखते हैं क्या जवाब आ रहा है। 4 प्लस 2 6, इसका जवाब देखूं 6, इसका जवाब देखूं 2 2 16 4। इन सारे ऑपरेशंस का आउटपुट देखिए, ये हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट है। इन सारे ऑपरेशंस का आउटपुट देखिए, सारे का आउटपुट एक संख्या आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जितना भी ऑपरेशन हमने बोर्ड पर किया है, सारे के सारे ऑपरेशन अर्थमेटिक्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन से, सारे ऑपरेशन अर्थमेटिक से। लेकिन अर्थमेटिक ऑपरेशन का ही दो हिस्सा होता है, दो पार्ट्स होता है, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमेशा दो पार्ट्स होता है। क्या होता है जरा देखिएगा, अगर हम बात करूं, इसे इरेज कर देता हूं, अगर हम बात करूं 6 भागा 2 बराबर, जब देखिएगा यह एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। इसको गौर से देखिएगा, भागा जिसको हम कहते हैं डिवीजन, ये दोनों संख्या के बीच में, ये दोनों संख्या के बीच में जो भी संकेत होता है ना, इसे हम ऑपरेटर कहते हैं, ऑपरेटर, ऑपरेटर। और इसको, इन दोनों को हम ऑपरेंड कहते हैं, ऑपरेंड। अर्थमेटिक ऑपरेशन का दो हिस्सा होता है, एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड। तो हम पहचान कैसे करेंगे कौन ऑपरेटर है और कौन ऑपरेंड है? जैसे एग्जाम्पल, अगर हमसे कहा जाए 6 प्लस 2 बराबर 8, आपसे पूछेगा बताओ इसके अंदर ऑपरेटर कौन है और ऑपरेंड कौन है, तो अपने मन से जवाब कीजिए, ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है क्या करूं, ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर पहचान करना है ना, तो अपने आप से प्रश्न कीजिए क्या करूं, तो माइंड के अंदर आएगा अरे करना जोड़ना है, तो जोड़ना, तो जो ऐड हो गया यह ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर, ऑपरेटर। अब ऑपरेंड की पहचान करना है, तो प्रश्न कीजिए किस पर करूं, तो सवाल उठता है कि आप 6 और 2 पर करें, तो इसका मतलब है यह आपका हो गया ऑपरेंड है, ऑपरेंड। अगर हम और एग्जांपल देके समझाऊं,
और एग्जांपल लेके समझाऊं। अंडर रूट 16, यहां पर भी ऑपरेटर होगा और यहां पर भी ऑपरेंड होगा। हमारे बच्चा पता करो ऑपरेटर, एक प्रश्न करो अपने मन से, अपने मन में एक प्रश्न करो क्या करना है, तो जवाब आएगा स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट ऑपरेटर। 16 जो होगा वो ऑपरेंड होगा, ऑपरेंड होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑपरेटर होता है और क्या होता है, ऑपरेंड होता है, ऑपरेटर और ऑपरेंड। तो हम आपको एक होमवर्क देते हैं, इसे बना करके मेरे कमेंट कीजिएगा, लिंक के नीचे आप इसे कमेंट करिएगा इसका जवाब क्या आता है, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। जैसे एग्जांपल कहा जाए टू नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हम आपके सामने इतना सारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, इतना सारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, आपको पता करना है कि इसमें ऑपरेटर कौन है और इसमें ऑपरेंड कौन है। ए भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, ए भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, ए भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस है और ए भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। आपको पता करना है कि ऑपरेटर कौन है और ऑपरेंड कौन है। दोनों फर्क बोलता हूं, ऑपरेटर ऑपरेंड, इन दोनों का पता लगाना है। तो इस प्रकार अब यहां आते हैं, अब चलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन की ओर चलते हैं। वाइज अगर हम लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें तो यहां पर भी ऑपरेटर होगा और यहां पर भी ऑपरेंड होगा। अगर हम लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करें तो यहां पर भी ऑपरेटर होगा और यहां पर भी ऑपरेंड होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर मात्र और मात्र तीन ऑपरेटर होता है, केवल तीन ऑपरेटर, केवल तीन ऑपरेटर होता है। पहला ऑपरेटर एंड, दूसरा ऑपरेटर और, तीसरा ऑपरेटर नॉट, बस। लेकिन हम अर्थमेटिक की बात करें, जोड़ घटाओ गुना भाग स्क्वायर रूट पावर लॉगरिथम साइन कॉस टैन, ना जाने कितने ऑपरेटर हैं। लेकिन अगर हम लॉजिकल की बात करूं तो लॉजिकल के अंदर मात्र तीन ही ऑपरेटर्स होता है, एक का नाम है एंड ऑपरेटर्स, दूसरे का नाम है और ऑपरेटर्स और तीसरे का नाम है नॉट ऑपरेटर्स। एक बार और रिपीट करता हूं, लॉजिकल ऑपरेशन में केवल तीन ऑपरेटर होता है, एक एंड ऑपरेटर, दूसरा और ऑपरेटर और तीसरा नॉट ऑपरेटर। यानी यही तीनों ऑपरेटर्स के बारे में हमें पढ़ना है ये पूरे सिलेबस के अंदर, यानी 5 दिन लगातार इसी के बारे में पढ़ाऊंगा, एंड के बारे में पढ़ाऊंगा, और के बारे में पढ़ाऊंगा और नॉट के बारे में पढ़ाऊंगा, अंडरस्टैंड। तो हम आपको एक एग्जांपल यहां देता हूं, जरा देखिएगा, यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिएगा एस एंड नो सिक्स प्लस फोर अब बताता हूं, स्पष्ट दिख रहा है कि यह लॉजिकल ऑपरेशन है और स्पष्ट दिख रहा है यह अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो अगर लॉजिकल ऑपरेशन है तो यह जो हिस्सा होता है ऑपरेटर का होता है, इसका मतलब यह भी हिस्सा ऑपरेटर है, ऑपरेटर। इस लॉजिकल ऑपरेशन में यहां पर जो ऑपरेटर है वो एंड है
और इस अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो ऑपरेटर है वो क्या है, प्लस है। अब सवाल उठता है इसके और इसके बारे में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लीजिए, इसको हम ऑपरेंड बोलेंगे। इसका मतलब है यहां पूछूं कि यहां का ऑपरेंड कौन है, बताइए कि यहां का ऑपरेंड लीजिए, सॉरी सॉरी बेटा, लीजिए ऑपरेंड, यानी यहां पर एस या नो ऑपरेंड है, यहां पर छह और चार ऑपरेंड है, यहां पर एंड ऑपरेटर है और यहां पर प्लस ऑपरेटर है। अब जवाब देख लेते हैं, तो छह प्लस चार दस, यह इसका रिजल्ट है। तो अब बच्चों आपसे पूछना चाहता हूं कि एस एंड नो जवाब क्या आएगा। हम अपने बच्चों से पूछना चाहता हूं कि एस एंड नो जवाब क्या आएगा, तो यही तो हमें पढ़ना है कि इसका जवाब क्या आएगा। पूरे लेक्चर्स के अंदर 5 दिन तक हमें यही पढ़ना है कि ऐसे अर्थ में ऐसे ऑपरेशंस का जवाब क्या आएगा, यहां एस आएगा यहां नो आएगा, यही तो पढ़ना है। और यही ऑपरेशन हमारा गेट करता है, गेट क्या, एस एंड नो जो जवाब आएगा क्या आएगा, ये हमें बताने वाला एक ही डिवाइस है, वो है गेट। गेट हमें बता देगा, गेट हमें बता देगा कि एस एंड नो यहां पर क्या आएगा, और इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, यानी टॉपिक्स की अब शुरुआत करते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि रियल लाइफ के अंदर ऑपरेशंस कितना होता है, हमें पढ़ना क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद समझा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे होता है, कैसे पहचान करते हैं, और उसके देखा इसका कितना हिस्सा होता है, कितने पार्ट्स होते हैं। उसी तरह लॉजिकल ऑपरेशन को देखा कि लॉजिकल ऑपरेशन में कितने पार्ट्स होते हैं, तो यहां पर भी दो पार्ट्स मिला, एक ऑपरेटर मिला एक ऑपरेंड मिला। तो अगर हम बात करें तो यहां पर एग्जांपल की बात करें तो यहां एंड क्या होगा, ऑपरेटर होगा, और एस या नो क्या होगा, ऑपरेंड होगा। तो इसका मतलब है अब हम एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, एक ग्राफ बना देता हूं जो हमें पढ़ना है, एक ग्राफ बना देता हूं जो हमें पढ़ना है, जरा देखिएगा। लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, तार्किक क्रिया, यहां एस, यहां पर एंड या और या नॉट, और यहां पर नो, यह हमारा रिजल्ट आएगा। लीजिए लीजिए, इसका मतलब है एस एंड नो जवाब क्या आएगा, बाद में देख लेंगे। एस और नो जवाब क्या आएगा, रिजल्ट बाद में देख लेंगे। एस नॉट नो जवाब क्या आएगा, हम रिजल्ट बाद में देख लेंगे। इसका मतलब है ये जो फॉर्मेट है आपके सामने, जो हमने एक फॉर्मेट दिया है, ये जो हमारा फॉर्मेट है, ये हमारा जो फॉर्मेट है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस को बता रहा है कि लॉजिकल ऑपरेशंस को बता रहा है कि कहीं भी अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिख जाए तो समझ जाना है कि लॉजिकल ऑपरेशन होगा, लॉजिकल ऑपरेशन का फॉर्मेट है। और इसी लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए हम एक खास प्रकार का डिवाइस बनाते हैं, एक खास प्रकार का उपकरण बनाते हैं जिसका नाम होता है गेट, एंड जो हम पढ़ने वाले हैं गेट, इसी गेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। गेट क्या करता है, तो गेट एंड ऑपरेशन करता है। गेट क्या करता है, तो गेट और ऑपरेशन करता है। गेट क्या करता है, तो गेट नॉट ऑपरेशन करता है। यानी एक गेट, हमारे सामने जो गेट होता है, यही तीन ऑपरेशंस कर सकता है, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशंस। और इसी के बारे में डीपली पढ़ना है, काफी डिटेल में पढ़ना है।
चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, गेट होता है क्या है और तो गेट होता क्या है, गेट कैसे एंड ऑपरेशन करता है, गेट कैसे और ऑपरेशन करता है, गेट कैसे नॉट ऑपरेशन करता है। तो आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि सर एंड का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, और नॉट का मतलब क्या होता है। ऐसे बचपन से ये तीनों शब्द सुना हुआ है, एंड और नॉट, लेकिन बचपन से कभी हमने इन तीनों शब्द के ऊपर ऑपरेशन नहीं किया है। तो सबसे पहले तीनों शब्द का मतलब समझ लेते हैं, एंड का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, और नॉट का मतलब क्या होता है। चलिए समझते हैं एंड का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, और नॉट का मतलब क्या होता है। अगर हम तीनों शब्द को समझ जाए, एंड और नॉट तीनों का मतलब समझ जाए, तो आई प्रोमिस डैट पूरा गेट चुटकियों में खत्म हो सकता है, पूरा का पूरा गेट चुटकियों में खत्म हो जाएगा 100% आजीवन बुढ़ापा तक इसको नहीं भूलिएगा, इस तरह आपको पढ़ाऊंगा पूरे फिजिक्स को। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्यों नहीं एंड को शुरुआत करते हैं कि एंड का मतलब क्या होता है, ताकि शुरुआत करते हैं एंड के बारे में, शुरुआत करते हैं एंड के बारे में। चलिए एंड लॉजिकल ऑपरेशन, एंड लॉजिकल ऑपरेशन, इसको हिंदी में एंड तार्किक क्रिया। तो चलिए समझने के लिए तैयार हो जाइए, एंड तार्किक क्रिया, इसके हेडिंग को बैठा देता हूं, एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड तार्किक क्रिया। वाइज हमारा सबसे बेहतरीन फंडा यही है कि ऐसे चीज को समझाने के लिए सबसे बेहतर होता है एग्जाम्पल, रटने के बजाय अगर हम एक एग्जाम्पल से आपको समझा देना तो काफी बेहतर होगा, आप कभी लंबे समय तक इसको नहीं भूलिएगा। तो क्यों नहीं एक एग्जाम्पल समझाता हूं, वाइज या देखिएगा, एक कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए, मतलब कि काम करने वाला वर्कर चाहिए। तो जब भी कोई कंपनी किसी वर्कर को काम करने के लिए बुलाती है ना, तो शर्तें रखती है, ऐसे नहीं कि किसी को बुला सकती है। कोई भी कंपनी अगर काम कराना हो किसी से, बुलाती है तो शर्त रखती है, यानी उस शर्त को अगर आप पूरा करते हैं तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगा, अगर उस शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो जॉब नहीं मिलने जा रहा है। तो कंपनी क्या कर रही है, जॉब दे रही है, लेकिन उसका शर्त है, उसका कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है यहां देख लीजिएगा, एक बार रिपीट करता हूं, एक कंपनी है, वो लोगों को जॉब नौकरी देना चाहती है, जब नौकरी कोई देती है ना तो वहां पर शर्त रखा जाता है, ना कि सभी को नौकरी मिल जाती है, एक शर्त रखा जाता है, एक पार्टिकुलर एक खास प्रकार का शर्त रखा जाता है, और जो लोग शर्त को पूरा कर देते हैं उनको नौकरी लग जाती है। तो इन्होंने एक शर्त ये रखा चलिए कि नौकरी उन्हीं को लगेगा जो ISC पास है एंड डिप्लोमा पास है, और यहां पर क्या है रिजल्ट है। शर्त रखा गया कि नौकरी हम उसी को देंगे जो ISC पास हो, अब बीच में क्या रखा गया एंड, आधे ना जब बीच में एंड आता है तो समझ जाते हैं ये कौन सा ऑपरेशन होने जा रहा है, यह लॉजिकल ऑपरेशन होने जा रहा है। जहां भी एंड, जहां भी और, जहां भी नॉट, ये तीनों आ जाए तो समझिएगा वहां पर लॉजिकल ऑपरेशन होने जा रहा है।
कंपनी ने शर्त रखा, हम नौकरी उसी को देंगे जो इंटर पास है एंड डिप्लोमा पास है, उसी को नौकरी लगेगा। यहां पर रिजल्ट है। तो चलिए ना, सबसे पहला एक बच्चा आता है इंटरव्यू के लिए और उनसे पूछा जाता, पहला प्रश्न पूछा जाता है, क्या आप इंटर पास हो? तो बच्चे का जवाब आता है यस। चलिए फिर पूछा जाता है, आप डिप्लोमा पास हो? जवाब आता है नो। देखिए ना, शर्त था नौकरी उसी को लगेगी जो इंटर पास एंड डिप्लोमा। एंड का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इंटर पास एंड डिप्लोमा। तो हम आपसे जवाब पूछना चाहता हूं कि यह इंटर पास तो है लेकिन डिप्लोमा पास नहीं है, इंटर पास तो है लेकिन डिप्लोमा नहीं है, तो क्या ये शर्त को पूरा कर रहा है? शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, तो जो रिजल्ट आएगा वो नो आएगा। फिर दूसरा बच्चा आता है इंटरव्यू के लिए, क्या आप इंटर पास हो? नो। क्या आपने डिप्लोमा कर रखी है? यस। तो क्या ये बच्चा भी शर्त को पूरा किया? सर, शर्त को पूरा नहीं किया, इसका मतलब इसका जवाब भी अगेन नो आएगा, रिजल्ट भी नो आएगा। अब तीसरा बच्चा इंटरव्यू के लिए आता है, पूछता है, क्या आप इंटर पास हो? यस। क्या आप डिप्लोमा पास हो? यस। वाइज, इसे गौर से देखिएगा, यहां भी एस है, यहां भी एस है, इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे, इसका जवाब क्या आएगा? तो सर, इसने शर्त को पूरा किया है, इसका मतलब है इसका जवाब एस आएगा। अब एक चौथा बच्चा इंटरव्यू के लिए आता है, पूछा जाता है, क्या इंटर पास हो? नो। क्या डिप्लोमा पास हो? नो। वाइज, क्या इसने किसी शर्त को पूरा किया है? नहीं। तो जवाब नो में आया। जब देखिए तो एंड का यही मतलब होता है, कहीं भी पूरे सिलेबस में जहां जहां एंड पढ़ाऊंगा तो एंड का मतलब यही होता है कि अगर इधर एस है और इधर नो है तो जवाब नो में आएगा, अगर इधर नो है इधर एस है तो जवाब नो में आएगा, इधर एस है इधर एस है तो जवाब एस में आएगा, और इधर नो है तो जवाब नो में आएगा। ये बोर्ड का बहुत ही चहेता प्रश्न है और यहां से बोर्ड प्रश्न पूछ चुका है। क्या पूछा है? बड़ा गौर से देखिएगा, पूछा जाता है एंड ऑपरेशन के अंदर, एंड ऑपरेशन के अंदर एस कब आता है? तो एस तभी आता है जब ए भी एस हो और ए भी एस हो, जब दोनों एस होता है तो आउटपुट भी क्या आता है? एस आता है। अगर दोनों में एक भी, दोनों में अगर एक भी नो आए तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? नो मिलेगा। क्या आप समझ रहे हो ना कि इसका मतलब दोनों में एक भी नो आ जाए, नोट करके लिखिएगा कि दोनों में अगर एक भी नो आ जाए, दोनों में कोई एक नो आ जाए तो हमेशा नो रिजल्ट आ रहा है। एंड के अंदर एस तभी आता है जब ए भी सही हो और ए भी सही हो। ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड के रूप में, देखते हैं स्टैंडर्ड एग्जांपल, देखते हैं। देखिएगा, वाइज, अब हम क्या कर रहा हूं, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देने जा रहा हूं जो आपको बोर्ड में लिखना है, सिर्फ बस एक समझाने के लिए हमने एग्जांपल दिया था, इसे लिखने की जरूरत नहीं था आपको। जैसे लेट सपोज, मान लेता हूं, यह देखिएगा, यह ए है और यह बी है और यह इसका रिजल्ट है, मतलब कि जेड है, जिसको हम रिजल्ट बोला हूं। तो बताओ, अगर यहां एस है, यहां नो है, वाइज बता दो, तो यहां पर भी क्यों आएगा? नो आएगा। क्यों नो आएगा? हम देख चुके हैं कि अगर दोनों में एक भी नो है तो रिजल्ट नो आता है। अगर यहां नो है और यहां एस है, जवाब नो आएगा। अगर यहां एस है और यहां एस है तो कहने की आवश्यकता नहीं है, जवाब एस आएगा। अगर यहां नो है और यहां भी नो है तो जवाब नो आएगा। लेकिन वाइज, रही बोर्ड की बात, तो बोर्ड में एस और नो नहीं चलता है बेटा, बोर्ड के अंदर एस या नो नहीं चलता है। एस या नो के बदले में हम कुछ खास तरह के संकेत का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है जरा समझिएगा।
जहां एस होता है बेटा उसको हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एस नहीं लिखना है, अब उसके जगह पर वन लिखना है। जहां पर नो होगा, नो नहीं लिखना है, उसके जगह पर जीरो रिप्रेजेंट करना है। यानी जहां एस दिखेगा वहां वन, जहां नो दिखेगा वहां जीरो। तो अब जो हमारा टेबल है, अब इसको बदलने का समय आ गया है। यानी इस तरह का टेबल आपको बोर्ड में नहीं लिखना है, अंडरस्टैंड है। अब आपको नया तरह का टेबल लिखना है और यही आपका फाइनल और अंतिम टेबल होगा। इसी तरह का टेबल लिखना होगा। क्या है जो दिखेगा, यानी एस के जगह पर वन लिखना है और नो के जगह पर जीरो लिखना है। तो अब जो आपका फाइनल टेबल बन के आने जा रहा है, यानी टेबल ऑफ एंड ऑपरेशन, टेबल ऑफ एंड ऑपरेशन, टेबल ऑफ एंड ऑपरेशन, यही हमारा फाइनल टेबल है। तो चलिए हम आपके सामने फाइनल टेबल रख रहा हूं और इसी टेबल को आपको ध्यान में रखना है। यह आपका ए लिखाएगा, यह आपका बी लिखाएगा और यह आपका जेड, मतलब यह आउटपुट है। ये दोनों इनपुट्स है और यहां पर क्या है, आउटपुट है। तो सबसे पहला देखता हूं, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन। तो यहां पे बच्चों से कहना चाहूंगा, चलिए इसे भरने की कोशिश कीजिए, इसे फिलअप कीजिए। जीरो जीरो मतलब नो नो, जीरो वन वन जीरो, एंड के अंदर एस तभी आता है जब दोनों एस होता है। यहां वन नहीं है, यहां वन वन नहीं है, वास्तविक में यहां पर एस है। लीजिए यह जो आपके सामने जो टेबल है, यह आपका एंड ऑपरेशंस का टेबल है। तो चलिए ना हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशंस, क्योंकि गेट को खत्म करने के लिए हमें 5 लेक्चर्स की आवश्यकता है। तो चलिए अपने क्लास को आज हम यहीं तक रहने देते हैं और हम कल ही नहीं, आज ही नया वीडियो अपलोड किया जाएगा। आज ही आपको नया वीडियो बना करके शाम तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मन से पढ़िए, बेहतर पढ़िए और बेहतर कीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स को आप जितना समझेंगे उतना आपसे बेहतर होगा। तो चलिए, और लास्ट मेरा मैसेज है कि हमारे कंटेंट को, काफी बेहतर कंटेंट है, बहुत ही रिसर्च किया हुआ कंटेंट है, और कोटा जितने कहते हैं कोटा, सारी जगह पर हमने स्टडी किया था अपने समय में, वहां से पढ़ जितने भी कंटेंट है, रिसर्च करके एक नया कंटेंट बनाया हुआ है। इससे भी परफेक्ट है, इससे ज्यादा परफेक्शन हो ही नहीं सकता आपके साथ, अंडरस्टैंड है, जो आपके सामने रखा जा रहा है। जो अगर आप सीखना चाहें, पढ़ना चाहें, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि फिजिक्स, सही फिजिक्स और सच्चा फिजिक्स है, ठीक है। कल मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय।